इवन दिस इज अक्षांश गर्ग। मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनसे आप पर पेपर आराम से एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखें, अगर आपके 8 पेपर्स हैं तो आप 80 से 100 मार्क्स तक का आराम से उसी नॉलेज के साथ जो नॉलेज आपके पास अभी है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। पर पेपर 10 से 12 मार्क्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ आंसर राइटिंग टिप्स देने वाला हूँ जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बेशक आपके हर क्वेश्चन में 1 से 2 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। हो सकता है इनमें से आप कुछ चीजें आप ऑलरेडी फॉलो करते हो, कुछ चीजें नहीं करते हो, लेकिन आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा, ओवरऑल आपको हर पेपर में, इट्स नॉट अबाउट IDT, इट्स नॉट अबाउट DT, इट्स अबाउट ऑल द पेपर, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप और आपका फ्रेंड दोनों की सेम नॉलेज है, आपको पता है कि यार उसको भी उतना आता है जितना मेरे को आता था, लेकिन उसके तो बहुत ज्यादा नंबर आ गए, उसकी एग्जेम्पशन आ गई, मेरे इतने कम क्यों नंबर आ गए। जिन लोगों के मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके हैं ना, वो इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है। तो अब सुनिएगा मेरी बात, कुछ आंसर राइटिंग टिप्स देने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जो लोग ऑलरेडी, जिनके 2 3 एक दो अटेम्प्ट लग चुके हैं, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप लोग सबसे ज्यादा बच्चे फेल किस कारण से होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे 2 रीजन के कारण से फेल होते हैं। पहली बात, आपका एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। ये 2 सबसे बड़ी चीजें हैं। अभी मैं आंसर राइटिंग टिप्स पे तो आने ही वाला हूँ जिससे आपके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन आप इन बातों को भी ध्यान से सुनिएगा। अब आपको एग्जाम से पहले रिवीजन कंप्लीट करने के लिए कौन सी ट्रिक ध्यान में रखनी है, अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जैसे ही आप पेपर देके आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर नंबर 1 FR का हो गया है, आप पेपर नंबर 2 की जब तैयारी करने बैठे, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जिस दिन आप FR का पेपर देके आए उस दिन सेम डे आपका SFM का अप्रोक्सीमेटली 30% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। जैसे मैं अगर IDT की बात करूं, DT की बात करूं, या किसी भी पेपर की बात करूं, आपका टारगेट ये होना चाहिए। लेट्स सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाउ पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 7 हो गया है आपका, तो जिस दिन आपका पेपर नंबर 7 खत्म हो गया उस दिन आपका 30 से 35% कोर्स अगले सिलेबस का खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस दिन हम पेपर देके आते हैं ना, हम लोग ऐसा प्लान बना लेते हैं कि यार हम लोग क्या करते हैं, आज 3 घंटे में अगला ये करेंगे, फिर अगले शाम तक ये करेंगे, और परसों सुबह दिन के 10 या 12 बजे तक का प्लान बना लेते हैं। जिस दिन पेपर होता है उस दिन के 12 बजे तक का प्लान बना लेते हैं। तुम्हारे प्लान के मुताबिक आज तक कुछ हुआ है जिंदगी में? तुमको क्या लगता है कि तुमने प्लान बना लिया जिस दिन पेपर है उस दिन 12 बजे तक का तुमने प्लान बना लिया और उस हिसाब से एग्जैक्ट 12 बजे चीजें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा? ऐसा ही हो रहा होता तो बात ही क्या होती। आपको प्लान कैसा बनाना है ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपका प्लान ये होना चाहिए जिस दिन आप पेपर दे के आए, फॉर एग्जाम्पल 6 7 बजे, 7 बजे से आप पढ़ने बैठ जाइए, मतलब उस दिन हमको लग रहा होता है कि हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि आज हम पेपर दे के आए थके हुए हैं, सिर्फ माइंड में होता है। ठीक है, उस दिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम आज का दिन मेरा सबसे बेहतरीन होना चाहिए। पेपर पुराना जो हुआ वो देखा जाएगा, जो हुआ उसको देखना ही नहीं, ना कभी फोन पे डिस्कस करना। सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं, पेपर देके आते हैं एक ना एक दोस्त से फोन पे कुछ ना कोई डिस्कशन शुरू कर देते हैं और आधा घंटा खराब हो जाता है। ये हमारी सबसे वर्स्ट मिस्टेक होती है। पेपर सिर्फ 3 घंटे का नहीं होता, पेपर वो पूरे ड्यूरेशन का होता है, जो आपके प्रिपरेशन का टाइम भी होता है और जब आप पेपर लिख रहे होते हैं। ठीक है, वो पूरे 15 से 20 दिन आपका हर सेकेंड, हर पल, हर घंटा पेपर का टाइम होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आते ही 30% सिलेबस खत्म कर लेना है और अगले दिन सुबह जल्दी उठ के, या जिस भी तरीके से आप पढ़ते हो, लेट नाइट पढ़ते हो, कैसे भी, जैसे मैं मान के चलता हूं कि जिस दिन आप पेपर दे के आए उसके अगले 3 से 4 घंटे में, अब उसके अगले 4 घंटे में आपका 30% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हो तो फिर आप अपना टाइम उस हिसाब से देखो। ठीक है, अब वो 30% सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हो, मतलब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जैसे आपने कोई भी टॉपिक, आप वो आज ही डिसाइड करके रख लो कि हर पेपर में सबसे पहले टॉपिक आप जब तैयारी करोगे तो आप कौन सा उठाओगे जो आपका सबसे स्ट्रांग है, तो इसमें ज्यादा मेहनत ना लगे, ज्यादा दिमाग भी ना लगे और इजीली कोर्स खत्म हो जाए, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एटलीस्ट 30 से 35% का तो सिलेबस खत्म हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, वो पेपर देने के बाद आपको आगे क्या करना है ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप ये करो कि अब नेक्स्ट डे योर टारगेट शुड बी लाइक दैट कि अगले दिन दिन के 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक, बस लेट सपोज आप पेपर नंबर 1 दे के आए, लेट्स सपोज आपका पेपर नंबर 1 हो गया 2 मई को। ठीक है, 2 मई को क्या हो गया, आपका पेपर नंबर 1 हो गया। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पेपर नंबर 2 का पेपर जब 4 मई को होगा ना, तो आपका सिलेबस 3 मई को शाम को मैक्सिमम 4 से 5 बजे, 3 बजे तक ही खत्म हो जाना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करके चलो। ठीक है, जब आप ऐसा सोचेंगे ना तब जाके आप रात तक, शाम तक सिलेबस खत्म कर पाएंगे। और आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि आपको एक और रिविजन करना है। ठीक है, अब सर ये तो अब यू मस्ट बी थिंकिंग दैट कैसी फालतू की बातें कर रहा हूँ मैं, इतने से टाइम में 1.5 दिन में एक बार तो रिवीजन होता नहीं होता है, तो रिवीजन भी होते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि एक रिवीजन और करना है, तब जाके कम से कम एक रिवीजन तो 100% ही होगा आपका।
तब जाके होगा वो रिविजन 100%, जब आप ये सोचोगे कि एक और रिविजन करना है। अगर आप ऑलरेडी प्लान ऐसा बना के चलोगे कि जिस दिन पेपर है, लेट्स सपोज 4th मई की 12 बजे तक की प्रिपरेशन, अगर आप एक रिविजन की प्लानिंग करके चल रहे हो, वो भी दिन के 12-1 बजे तक का टारगेट ले लिया आपने, तो कुछ नहीं होगा। तो आपको जो एग्जाम सेंटर के बाहर सीन देखने को मिलता है ना, कि बच्चे बाहर भी किताबें पलट रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, 2 बजे घुसना है एग्जाम के अंदर, 2:05 तक बच्चे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं 80% बैटल, 80% आप बैटल तभी जीत जाओगे जब एग्जाम से एक दिन पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि 80% लोगों का एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस खत्म होता ही नहीं है। और आप एक बात और मान के चलना कि आपने कोई चीज कितनी भी बार पढ़ी हो, कितनी भी बार, वो सब वेस्ट है अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। दिस इज द हार्श ट्रुथ। इसलिए हमको, इसलिए मैं भी जैसे जो भी पढ़ाता हूँ वो कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि उतना ही पढ़ रहे हैं ना जितना हम एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर पाए। पता चला 1000 पन्नों का ग्रंथ पढ़ लिया और एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज ही नहीं हो पाए, तो क्या सेंस है उस चीज का? आपने पहले चाहे 10 बार पढ़ा हो, उसका कोई सेंस नहीं है अगर वो चीज एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं हो पाए। तो मेक श्योर वन थिंग कि आप एग्जाम से पहले आप पूरा रिविजन कर लो। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, जैसे ही आप पेपर देके आओ ना, अपना अगले पेपर के लिए मतलब 200% एनर्जी के साथ शुरू कर दो अपना काम। हम लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में ढीले ढीले होते हैं, हमें होश क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज 2nd मई को पेपर खत्म हुआ, हम क्या करते हैं 3rd मई को सुबह 7-8 बजे थोड़ा सीरियसनेस आना शुरू होती है, फिर हम स्पीड में भागते हैं। ऐसा हर बच्चे पे नहीं होता, लेकिन 70% बच्चों के आज भी यही हाल है। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट पेपर 1 पेपर 2, ये पूरी की पूरी जर्नी आपको 8वें पेपर में मेंटेन रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको रिवीजन कंप्लीट करना है, आपके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस बन जाएंगे आप आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अभी तो हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम एग्जाम टाइम में करते हैं। अब दूसरी गलती क्या हो रहा है, हम पेपर में बैठ गए। ठीक है, पेपर में बैठ गए, पेपर में बैठने के बाद यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि एक ना एक पेपर तो ऐसा आएगा जो बहुत ही खतरनाक होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लोग फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में कई बार फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर, और क्या होते हैं बहुत नर्वस हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। देखो, सीए इंस्टीट्यूट को सीए उतने ही बनाने हैं जितना पेपर सबसे इजिएस्ट आ जाए या पेपर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आ जाए। ठीक है, तो अगर पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, आपके इजीली 40, 45 से 50 नंबर आ सकते हैं। अगर आप कामली बैठ के सोचो, आप ये सोचो कि पेपर डिफिकल्ट आ गया ना, तो 80% कॉम्पिटिशन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि 80% लोग तो एक दूसरे की शक्ल देख के यही कह रहे होते हैं भाई अगले अटेम्प्ट में फिर मिलेंगे। क्यों? दावत चल रही है जो अगली बार फिर मिलेंगे। यू शुड बी वेरी मच कॉन्शियस कि यार हमको जितना आता है वो हम बेस्ट तरीके से करें, और आराम से शांति से सोच के बैठेंगे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में। ठीक है, तो आप मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर होकर जाना कि कोई सही पेपर कैसा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज पता है, होना है तो पहले रेडी रहना मतलब उस चीज के लिए। अब सुनना कुछ कुछ आंसर राइटिंग टिप्स, जैसे स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में तो फॉलो करती है, मेरे को लगता है बाकी के थ्योरी सब्जेक्ट में भी चलेंगी। जैसे लेट्स सपोज आपके एग्जाम में अब क्या होता है, मैं खुद जैसे मॉक टेस्ट की कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की, तो मैंने एक चीज देखी कि 2 बच्चे जो एग्जैक्ट सेम लिख रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को 5 में से 5 मिल रहे हैं, 1 को 4, 1 को 3, ऐसा क्यों हो रहा है? आप एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचना क्या होता है। कुछ जनरल टिप्स होती हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आपका आपका जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। लेट्स सपोज क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट इनकरेक्ट होना, या फिर ए ओ ने सही किया है नहीं किया, ठीक है, असेसी वैलिड है इनवैलिड है, असेसी ने जो किया, मतलब इस तरह के क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट वाला, ठीक है, वैलिड इनवैलिड वाला। तो उसके क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिख के आना है इनकरेक्ट ऑब्लिक करेक्ट, मतलब जो भी है करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी लिख के आना है वो लिख के आना। ठीक है, उसके बाद लाइन चेंज, अगला लाइन आप क्या होगे, जो भी प्रोविजन है ना उस एक्ट के वो प्रोविजन लिख के आओगे। फिर अगला पैरा चेंज या लाइन चेंज, एक्सेप्शन ऑफ प्रोविजन, कोई भी उस प्रोविजन का एक्सेप्शन है तो वो लिख के आओगे कि बोले वैसे तो ये प्रोविजन है, हाउ एवर इन दिस केस, है ना, हाउ एवर एक एक्सेप्शन भी है इस प्रोविजन का। ठीक है, आप ऐसे ये सब लिख के आओगे। फिर उसके बाद इन द गिवन केस, अभी तक तो हमने प्रोविजन लिखा है, अब हम क्या करेंगे, इन द गिवन केस। इन द गिवन केस मतलब एनालिसिस ऑफ प्रोविजन विद गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इन द गिवन केस करके आएंगे हम, प्रोविजन के साथ कंपैरिजन करेंगे केस को हमारे, फिर क्या हम करेंगे, फिर हम अगले पैरा में कंक्लूजन लिख के आएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर का पैटर्न होना चाहिए। अब हम लोग क्या गलती करते हैं, एक ही हिस्ट्री के फॉर्म में आंसर लिख देंगे ना, तो 2 लोगों की सेम भी कॉपी होगी ना तो भी एक न को कम नंबर मिलेंगे, एक को ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कोई हाईली स्पेशलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है, इनफैक्ट वो सीए भी नहीं होता होगा जो आपकी कॉपी चेक करता होगा। तो आपकी कॉपी उसके लिए मेयर एक कॉपी है जिसको उसको 5 से 10 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपका फ्यूचर उसके लिए यही है। तो
अब यू शुड बी एक्सप्रेसिव कि आप किस तरीके से नंबर लेके आते हो। दूसरी चीज, खुला खुला तो लिख के ही आना है जो दिखे। दूसरी चीज, आपको अंडरलाइन क्या करना है, अंडरलाइन कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करने। कोई रेड पेन वगैरह ऐसा मत लेके जाना, वही ब्लैक पेन से अंडरलाइन जो करते हो उसी से अंडरलाइन कर देना बस, ठीक है। ये बेसिक बेसिक ट्रिक्स हैं जो आपको हर थ्योरेटिकल पेपर में इसी तरीके से आप आंसर लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, खुला खुला अंडरलाइन। क्योंकि कुछ जो कीवर्ड्स हैं उसको बोले देख भाई आंखें खोल, देख हमने लिखा है ये, वो खुद अपनी इच्छा से नहीं दिखेगा। ये आपको लिखना है। अगर हर क्वेश्चन में एक एक नंबर भी बढ़ा तो हर क्वेश्चन के दो पार्ट तीन पार्ट, दो पार्ट तीन पार्ट आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके, तो कह रहा हूँ 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 करने होते हैं, 5 में से मान लो हर क्वेश्चन में से 3 पार्ट भी आते हैं, मान के चलो मैं तो कह रहा हूँ 2 पार्ट में भी एक एक नंबर भी पढ़ा, तो इससे आप आराम से 8 से 10 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं अपने, ठीक है। और ऐसा बढ़ते हैं नंबर, इससे प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट, क्योंकि वो ढूंढेगा नहीं आपकी कॉपी में से कि क्या क्या जरूरी है क्या क्या नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। और अब मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी कि पहली चीज तो हमसे क्या होता है, रिविजन नहीं हो पाता। रिविजन की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि जिस दिन आप पेपर देखे उस दिन से आप अपने एफर्ट्स 100% 200% पे चालू करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन इस तरीके की होनी चाहिए, स्पेशली थ्योरी पेपर में। आप बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर के अंदर, या कई पेपर ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, जैसे डीटी आईडीटी होता है, उस केस में क्या करना चाहिए, तो उस केस के सुनिए मेरी बात। अब पेपर का दूसरा जो मेजर रीजन मैंने आपको बताया था ना, वो यहाँ से लिंक करता है। जैसे हमारा पेपर छूट रहा होता है उसका क्या करें, तो जब भी आपका पेपर छूट रहा हो ना, तो आप एक काम करिए, स्पेशली अगर प्रैक्टिकल पेपर हो तो आप ऐसा करिए, जैसे आपको कोई टेबल बना के आंसर लिखना है, जैसे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ गया, आईटीसी का क्वेश्चन आ गया, आरसीएम का क्वेश्चन आ गया, या डीटी में ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन आ गया, या किसी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का कैलकुलेशन है, या कोई सा भी क्वेश्चन है, ठीक है, या एफआर में जो स्टेटमेंट बनाने हैं आपको, कुछ भी करना है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना आपका, वो आप इतना सजा सजा के मत लिखो, वो बिल्कुल छोटा छोटा कट पेस्ट करके लिखो, एकदम छोटा छोटा, बड़ा बड़ा मत लिखो। और जो राइट हैंड साइड के आपके फिगर्स है ना, वो क्लियरली क्लियरली दिखने चाहिए। जैसे 2 लाख लिखा हो तो 2 लाख क्लियरली दिखना चाहिए कि भैया 5 जीरो आती है, 5 लाख लिखना है तो 5 लाख क्लियरली दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ओवर राइटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए फिगर्स पे, फिगर फिगर क्लियर होनी चाहिए जो राइट हैंड साइड वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले के अंदर आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं तो भी, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ये सब देख के नंबर दे देता है। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे आप इजिली क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो आप अटेम्प्ट 80 मार्क्स का करके आ रहे हो, 85 का करके आ रहे हो, तो मजा ही क्या है फिर। तो पढ़ सब उतना ही रहे, सब बच्चे अभी वही 12-15 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये कुछ छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी मिस्टेक्स होती हैं, जहां पे किसी दोस्त ने 95 का पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो कोई 85 का कर पाया, जिंदगी बदल सकती है। कोई फोन में लग गया, डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड, वो आप उससे फोन पे भाई कैसा गया, भाई पढ़ाई की चल रही, भाई मत पूछ बेकार चल रही, इन सब में मत उलझो। आप यू आर सो मैच्योर नाउ, आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। एंड टेक दिस अटेम्प्ट एज योर लास्ट अटेम्प्ट, ये कुछ बेसिक चीजें इनको फॉलो करो आप, ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, मैं इस तरह के आईडीटी के और भी रिविजन वीडियो डालता रहूंगा। आप मेरा मैराथन भी देख सकते हो जो मैंने अभी लेटेस्ट लिया है, एग्जाम से 1 दिन पहले भी लेंगे, ठीक है। बट ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको ध्यान में रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।